2 साल में हमने ईवीएम पर आधारित चुनाव के विषय में जो जो जानकारी एकत्रित की, जो कभी कभी किसी किसी मौके पर हमने आप लोगों के साथ शेयर भी करी है, उसको दोबारा संक्षेप में लोगों के सामने रखने के लिए मैंने आज आपको कष्ट दिया। जब ये नया चुनाव चल रहा है, तब भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी, राजनीतिक दलों के माध्यम से भी बहुत सी बातें जो चुनाव प्रक्रिया पे अविश्वास की बातें हैं सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब भारतवर्ष का पहला चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव से संबंधित किसी भी डाउट और डिस्प्यूट को दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास थी। पहले चुनाव का जो अनुभव रहा, उसमें जितनी इलेक्शन पिटीशन भारतवर्ष में फाइल हुई, ज़्यादातर इलेक्शन पिटीशन रिटर्निंग ऑफिसर्स के कंडक्ट के खिलाफ थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वयं अपने को डिस्प्यूट और डाउट को दूर करने की जिम्मेदारी से मुक्त करा लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को समाप्त करके कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को व्यवस्था दे दी गई कि वो असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट या डाउट होता है तो उसको दूर करने का काम करें। 23 तारीख तक काउंटिंग कराने तक और रिजल्ट घोषित करने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यक्षेत्र में कोई भी व्यवधान नहीं डाला जा सकता, पर जब 23 तारीख को वो अपना रिजल्ट घोषित कर देंगे, उसके बाद हर चीज भारत की न्याय व्यवस्था के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आ जाएगी। इसलिए आज की कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि हम किसी चीज में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें यह भी समझना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन क्या है। सामान्यतः इलेक्शन कमीशन दिल्ली में निर्वाचन सदन में बैठा हुआ एक कार्यालय और उसके 2, 3, 4 आयुक्त हैं, पर जिस समय कोई भी इलेक्शन होता है, यह इलेक्शन कमीशन दिल्ली से लेकर स्टेट कैपिटल, जहाँ पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर इंचार्ज होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो जिलाधिकारी का दायित्व होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो एसडीएम का दायित्व होता है, यहाँ तक जाता है, और मतदान के समय ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर तक फैल जाता है। तो अगर हम सही दृष्टि से देखें तो इलेक्शन कमीशन एक पूरा बड़ा तंत्र है जो इस देश के हर पोलिंग स्टेशन तक टच करता है। इतने बड़े तंत्र के संचालन में अगर कहीं कोई कमी आती है तो उस कमी को दूर करने का दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। इन चुनावों में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। कुछ लोग थे जो ईवीएम का विरोध कर रहे थे और उन्होंने छोटा मोटा काम नहीं किया, उन्होंने बड़े रिसर्च पेपर रखे। 2 रिसर्च पेपर अभी भी बाजार में उपलब्ध है और जिनका टाइटल है डेमोक्रेसी एट रिस्क।
वो ईवीएम से संबंधित हर अंग पर बहुत गहराई तक गए। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि किस किस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो वो ईवीएम की हर कमजोरी के बारे में हर चीज को जानते हैं। वही लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए और एक पीआईएल के माध्यम से उन लोगों ने अपनी बात कही और सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जो वीवीपैट की व्यवस्था लागू की वो उन्हीं की याचिका पर आधारित थी। 2014 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, उन्हीं लोगों की पार्टी केंद्र में सत्ता में आ गई और 2014 से 2017 तक अपनी ही मांग पे लगाए गए वीवीपैट्स के लिए धनराशि अवमुक्त करने से वही पार्टी कतराती रही। 2017 में जरूर धनराशि अवमुक्त हुई और ये पहला चुनाव हुआ जिसमें पूरे देश में हर जगह पर वीवीपैट लगाया गया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं जानता, इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं। हाँ, क्रिमिनोलॉजी का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और इस बात का एक सिद्धांत तय यकीन करता हूँ कि जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध का कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सूत्र हमेशा उपलब्ध रहता है। जो दो तीन प्रश्न इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं उनमें से पहला प्रश्न अनऑथराइज्ड मूवमेंट का है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक क्लेरिफिकेशन जारी करके कहा कि ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था, पर वास्तविकता इससे भिन्न है। 2009 में विकासनगर के बाई इलेक्शन में जो अनऑथराइज मूवमेंट ऑफ ईवीएम पकड़ा गया था वो केस आज भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उच्च न्यायालय में लंबित है और उस केस में जो ईवीएम पकड़ी गई थी किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने ये जांच करने की कोशिश नहीं की कि वो किस व्यक्ति द्वारा दी गई, वो किसको दी गई, क्यों वो रैंडमाइजेशन की लिस्ट से बाहर थी या अंदर थी, किस कारण से एक आदमी व्यक्तिगत रूप से बिना किसी सिक्योरिटी को साथ में लिए एक टैक्सी में लेके उनको घूम रहा था। उन्होंने एक फर्ज अदायगी करी, टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया। वो ईवीएम आज भी कोर्ट की कस्टडी में है, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप एक कदम आगे बढ़कर न्यायालय में आता है और क्यों खोजने की कोशिश नहीं करता है कि किस गलती की वजह से वो अनऑथराइज ईवीएम 2009 से घूमती रही। और इसमें बड़ा आश्चर्य का विषय ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी में ये है ही नहीं कि विकासनगर में इस तरह का कोई केस ईवीएम के अनऑथराइज मूवमेंट का दर्ज भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो इसको कोर्ट के माध्यम से जब चाहे सही सिद्ध कर सकता है और अगर उनके सिस्टम में कोई कमी है, उस तंत्र में कोई कमी है जो इतने बड़े सिस्टम पे जब चलता है तो उसमें कहीं गलती होती है तो उसको दूर करने का दायित्व तो भी उन्हीं का है। 2017 के इलेक्शन में मैंने स्वयं एक इलेक्शन पिटीशन दायर की और मेरी अपने इलेक्शन पिटीशन में मैंने ये कहा है कि मेरे 8 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे, पोलिंग बूथ ऐसे थे जिनमें जो ईवीएम का नंबर मुझे बताया गया था और जिस ईवीएम पे वोटिंग हुई वो नंबर फर्क है।
माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं उसकी जांच की और एक आठ में से एक कटापत्थर बूथ की जांच करने के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश भी जारी किया कि हाँ ईवीएम का सर्टिफिकेट जो पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दिया है और ईवीएम का नंबर जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया है उन दोनों में भिन्नता है। तो क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जिज्ञासा नहीं होती कि वो स्वयं कोर्ट में जाके इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ऐसा कैसे हो गया। केवल विकास नगर में नहीं हुआ, मसूरी में भी हुआ, राजपुर में भी हुआ, और शायद अगर हमारे 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सजग होते तो और विधानसभा क्षेत्रों में भी इस किस्म की घटनाएं पता लगती। ये 8 ईवीएम वो हैं जिनके बारे में हमारे रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें कोई सूचना नहीं दी कि ये ईवीएम खराब हो गई हैं, इस वजह से हम इन्हें चेंज कर रहे हैं। ये वैसे की वैसी ही पोलिंग बूथ पर गई थी और वैसे की वैसी ही वोटिंग कराकर वापस आ गई। इसकी बहुत आसानी से जांच की जा सकती है, इसमें कोई शंका या किसी की ऊपर आरोप लगाने का कोई अर्थ अब नहीं। हम वीवीपैट के ऊपर भी बहुत भरोसा कर रहे हैं, 5 वीवीपैट हम गिनेंगे भी, पर जो भी इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी हुई मैकेनिज्म हो वो मैकेनिज्म इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि 2 साल बाद भी 3 साल बाद भी अगर ज़रूरत हो, जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, तो हम चीज़ों को वेरीफाई कर सकें। सौभाग्य से एक इलेक्शन पिटीशन जो हरिद्वार से दायर हुई है अमरीश कुमार जी की, उसमें वीवीपैट भी सील है, तो एक बार इलेक्शन कमीशन ये देखे तो सही कि जिस वीवीपैट के आधार पर वो चीज़ों को इतना विश्वसनीय बता रहा है वो खुलवा ले हरिद्वार की कोई भी वीवीपैट और जरा पर्ची का मिलान करके देख ले। क्यों इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया जा सकता? ये देश के लोकतंत्र का सवाल है और इस लोकतंत्र में, इस चुनाव प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बनाए रखना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है। ये दोनों केस हमारे उच्च न्यायालय में हैं, वो जब चाहें इनको वेरीफाई कर सकते हैं, उन्हें किसी भी सफाई को देने की ज़रूरत नहीं है। न्यायालय खुद इस बात को देख लेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। एक और अनऑथराइज्ड मूवमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनको तोड़ते हुए किया जाता है, एक ही जगह नहीं सब जगह किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि काउंटिंग के बाद आप ईवीएम्स को 45 डेज तक अनटच्ड रखेंगे, उनको छुएंगे नहीं। पर वास्तविकता में क्या हो रहा है, 2017 में जो हमारी काउंटिंग हुई राणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के अंदर, दूसरे ही दिन काउंटिंग के बाद ईवीएम्स वहां से हटा दी गई, और जब वो ईवीएम्स वहां से हटाई गई तो किसी राजनीतिक दल को, किसी व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई। हम तो जब ईवीएम सील कराने के लिए पहुंचे तब हमें पता लगा कि राणा प्रताप स्टेडियम में तो ईवीएम है ही नहीं, और यही इस प्रदेश में हुआ, ये देश में पूरी जगह हुआ। अगर प्रक्रिया में ये कमजोरी है, क्योंकि आपने जिस ईवीएम को उम्मीदवारों को बताए बगैर एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया, तब कौन जिम्मेदारी लेगा कि उस ईवीएम के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ की गई थी तो उसको नष्ट कर दिया गया या नष्ट नहीं किया गया या बाद में उसमें कोई परिवर्तन कर लिया गया। ये जो चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखनी चाहिए, और जब एक बहुत गंभीर चीज़ उनको बताई जाए और जिसकी PIL माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करी जाए, जिसकी जानकारी RTI से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECIL और BEL से प्राप्त करके दे जाए, तो उसको देखने में उनको क्या कष्ट है।
हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है वो फर्स्ट लेवल चेकिंग जो लोग करते हैं वो ECIL के एम्प्लॉय नहीं है। ECIL PM सर्विसेज बॉम्बे से उनको टेम्परेरीली किराए पे लेती है, उनका कोई रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ECIL के एम्प्लॉय ना होने के कारण ECIL का कोई नियंत्रण उनके ऊपर नहीं है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर किसी भी स्टेट का होता है, उसको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, और वो EVM को टच करते हैं, और EVM को टच करने के बाद उनके दायित्व में ये भी है कि वो EVM के ओरिजिनल पार्ट्स को भी चेक करते हैं। FLC किसी भी चुनाव को होने से 6 महीने से साल भर पहले तक हो जाती है। उस समय कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिस व्यक्ति को FLC के बारे में उत्सुकता हो, और अगर राजनीतिक पार्टी अपना ऑब्जर्वर भेज भी देती है तो वो ऑब्जर्वर उस EVM से जिसको PM सर्विसेज का आदमी चेक कर रहा है उससे कम से कम 25 या 30 फीट दूर बैठा रहता है। उस पर कोई साधन ऐसा नहीं है कि वो चेक कर सके कि वो टेक्नीशियन EVM के साथ क्या कर रहा है। ये चीज अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं। अगर उनकी ही एक्सपर्ट कमेटी ये कह रही है कि जो केबल वीवी काउंटिंग मशीन को बैलेट यूनिट से कनेक्ट करता है और जो कम से कम 15 या 20 फीट से ज़्यादा लंबा होता है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि वो उसकी सुरक्षा की कुछ व्यवस्था करे। किसी भी आदमी से जिसको हम अपना पोलिंग एजेंट कहते हैं हम भी ये अपेक्षा नहीं कर सकते, वो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से भी ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना बड़ा ज्ञाता होगा कि वो उस केबल को चेक करने के बाद उसमें कोई चीज़ ऐड की गई या उसमें कोई चीज़ हटाई गई या उसमें कोई माल प्रैक्टिस की गई उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व तो बनता है। ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वजह से अगर पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय हो जाती तो उसकी विश्वसनीयता को उनको सिद्ध करना चाहिए। मैं इस प्रेस के करने के बाद एक ज्ञापन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजूंगा। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, पर अगर सिस्टम की वर्किंग के अंदर कोई कमजोरी कागज पे सिद्ध होकर उनके सामने आ रही है तो उनको खुले दिल से आगे आना चाहिए और खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि वो उस कमजोरी को दूर करेंगे। ये जो वर्तमान इलेक्शन हुआ है, मैं नहीं जानता इसका रिजल्ट क्या होगा, पर मैं ये जानता हूँ कि इसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग उस समय हो चुकी है जब जागरूकता नहीं थी। आज हम स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे रहें या स्ट्रांग रूम के चारों तरफ बैठे रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ हो सकता है जहां तक मैं समझ पाया हूं वो फर्स्ट लेवल चेकिंग के दौरान हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने कोर्ट केसेस हों जहां पर भी इलीगल मूवमेंट थेफ्ट या लूट की व्यवस्था हो वो स्वयं उस FIR को दर्ज करें। EVM की सोल मालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी अंग, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे वो CEO हो, वो कभी भी ऐसे केसेस को दर्ज नहीं करता, और इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी केस का अपने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं रखता जहाँ पर इस किस्म की घटनाएँ अनऑथराइज मूवमेंट चोरी लूट या तोड़फोड़ की होती। ये व्यवस्था तो उनको स्वयं ही ठीक करनी पड़ेगी, और इसके लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व का पालन करने के लिए उनको खुले दिल से आगे आना चाहिए। हम उन 3 केसेस को उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं जहां EVM या उससे संबंधित चीज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में है।
वहां वो स्वयं आए और स्वयं आने के बाद वो देख ले कि ये हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो किस कारण से हुआ, उस कारण को खोजे और उस कारण को दूर करें। ईगो पॉइंट नहीं बनाना चाहिए कि हमने कोई तकनीक अगर जोड़ दी है तो वो तकनीक अल्टीमेट है। तकनीक हमेशा नई आएंगी, तकनीक के साथ साथ उस तकनीक पे करने वाले अपराधी भी सामने आएंगे। साइबर क्राइम होगा और साइबर क्राइम से लड़ने और अपराधियों को पकड़ने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मैं तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस बात को भी जानता हूँ कि मैनुअल काउंटिंग में कितना समय लगता है। मैंने अपने जीवन में 5 या 6 बार मैनुअल काउंटिंग भी की है और मैनुअल काउंटिंग के कष्टों को भी जानता हूँ। मैं भी महसूस करता हूँ कि 2 या 3 दिन तक लगातार उत्सुकता बनी रहे, ये एक बहुत लंबा समय होता है। तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, पर अगर तकनीक में कोई कमी है, अगर उस तकनीक को लागू करने के सिस्टम में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खुले दिल से आगे आना चाहिए और इन कमियों को दूर करना चाहिए, जिससे भारत के लोकतंत्र में जो ये धब्बे उठ रहे हैं, ये धब्बे खत्म हो सके। अगर कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में कैमरे के सामने आता है, चाहे वो मुंह छुपा के ही आता है, और वो ये कहता है कि 2014 में मैंने ये अपराध किया था और मेरे साथ इस अपराध में 18 या 19 लोग शामिल थे और उनमें से इतने लोग मार दिए गए, अगर वो ये कहता है कि मेरे को खुद गोली मार दी गई, तो व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में हो, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको ढूंढने की व्यवस्था करने की कोशिश की। अगर उसने झूठ बोला था तो उसको दंडित किया जाना चाहिए था, और अगर उसने सच बोला था तो उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए था जिन लोगों ने अपराध कराने में उसकी सहायता ली थी। ये अनुरोध हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। देखिए, जब FLC हो चुकी और जब एक व्यक्ति ये कहता है कि पिछली बार हमने रिलायंस के टावर्स की मदद से हैकिंग की थी, और जब उससे कहा गया कि उस समय रिलायंस के टावर्स जो थे, रिलायंस का जो सिस्टम था जियो वाला, ये ऑपरेटिव नहीं था, तो उसने कहा सिस्टम ऑपरेटिव नहीं था, कंपनी ने काम शुरू नहीं किया था, टावर स्थापित हो चुके थे, तो उस व्यक्ति को ढूंढा क्यों नहीं गया, उस व्यक्ति को पकड़ा क्यों नहीं गया, उसको झूठ बोलने की सजा क्यों नहीं दी गई? तो आप मानते हैं कि हैक हुई है इस बार? देखिए, जो राजनीतिक अनुभव कहता है, मैं पूरे देश की तो बात नहीं कर सकता, पर 2017 के विकासनगर विधानसभा के चुनाव की बात कर सकता हूं। मेरा मतदाता आज तक संतुष्ट नहीं है कि उसने जो वोट मुझे दिया था वो मुझे मिला। कहते हैं पर इस नहीं, पारदर्शिता का जवाब नहीं है उसका। जो मदरबोर्ड है जहां पे उस पर कोड इन्वेड किया गया है, मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का विद्यार्थी नहीं हूं, वो ना तो ECIL के चैंबर में किया गया है, ना उनके प्रिमाइसेस में किया गया है, ना BEL के प्रिमाइसेस में किया गया है, बल्कि इस देश के बाहर एक विदेशी कंपनी द्वारा किया गया है। आपने उन्हें मान लीजिए ABC कोड दिया और उन्होंने उस कोड को ABC1 बना दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो उसको चेक ही नहीं कर सकता, उसकी रक्षा क्या कर रहा है? इस बात को स्वीकार करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? ये उसी समय इस मशीन को अनऑथराइज आदमी टच करते हैं और हमने उनकी पूरी सूची माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा रखी है उनके फोन नंबर्स के साथ। किसके हाथ लगेगा? और जब आप
काउंटिंग के अगले दिन मशीन उठा के चल दिए और आपने किसी को बुलाया ही नहीं, तो आपने उस मशीन के इस मशीन का तार उस मशीन में, उस मशीन का तार उस मशीन में बांध दिया, किसको पता लगेगा? इसको इस आलोक में देखिए, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त किया जाता है, अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर किया जाता है। आप ही लोगों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उन चुनावों में मुख्यमंत्रियों की स्थिति बहुत खराब थी पर प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अच्छी थी, और आपकी बार के नतीजे देख लीजिएगा। मैं जब कंट्रोल डैमेज कर सकता हूं तो मैं इतना मैनेज कर सकता हूं कि मेरा जो मेरे से जिसका मतैक के नहीं है वो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में इतना कमजोर हो जाए कि मेरे सामने सिर ना उठा सके। और वो तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उतनी ही बार मुख्यमंत्री रहे थे जितनी बार एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री रह चुके। क्या ये माना जाए कि टेक्निकल लेवल पर अगर हम बात करें, टेक्निकल लेवल बात करें, तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है और वहां पर कितने सारे मतलब एक्सपर्ट लोग भी हैं, अभिषेक मनु सिंह जी जैसे मतलब जो, और कपिल सिब्बल जी जैसे, मेरा कहना मतलब ये कि क्या ये माना जाए कि टेक्निकल रूप से यूपीए के लोग या कांग्रेस के लोग इतने इनकैपेबल रहे हैं कि वो कभी भी मतलब इस तरह की हैकिंग का या इस तरह की चीज को इजाद ही नहीं कर पाए? ये अगर अगर उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जाए जिसने भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर ही आरोप लगाया, क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, कपिल वो तो एक ओपन कॉन्फ्रेंस थी, मैंने यहां बुलाया, इसमें आप भी हैं और भी हैं, कपिल सिब्बल जी भी गए थे, और कपिल सिब्बल जी तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए एविडेंस के तो अभी एविडेंस के तौर पे जब पीआईएल सुनवाई में आएगी तो मैं मना तो नहीं कर रहा कि वो नहीं लाया जाएगा। और वो व्यक्ति को ही कपिल सिब्बल जी ने तो ढूंढा नहीं था, वो तो एक पत्रकारों के किसी संघ ने या किसी ऐसे उसने ढूंढा था, मैंने तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ सुना, और कपिल सिब्बल जी से मैं उसके बाद मिला भी 2-3 बार, हम उसके अलावा भी 1-2 आदमियों से मिल चुके हैं। देखिए ऐसा है, ये आप कभी नहीं कह सकते कि मैं अपराध किस समय करूंगा, ये आप कभी कह सकते हैं? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हम फेथ करते हैं, मेरे को खुद उनके ऊपर भरोसा है, मैं उन पर अविश्वास नहीं करता, पर जब वो किसी चीज़ को सही कहते हैं तो हम उसे सही मानते हैं। हम तो उसे ये देखते हैं कि हमारी सुविधा के लिए इतना फ़ायदा हो गया कि अब हमें 3 दिन की काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, अब हम आधे दिन की काउंटिंग में बाहर घर आ जाएंगे, मेरा कार्यकर्ता भी बड़ा प्रसन्न है इस चीज से। हाँ, राजनीतिक विश्लेषण करिए, राजनीतिक विश्लेषण करिए, विश्लेषण करना आपका अधिकार भी है और आपका कार्य भी है। जो पार्टी 50% शेयर कर रही थी वो पार्टी 50% से 3% पे चली गई, कैसे? मैं तो खुश उस इलेक्शन के पहले फेज में था जब कांग्रेस ने मात्र 3 सीट जीती थी, मैं उसमें था, उसमें भाजपा की परफॉर्मेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस से कहीं अच्छी थी। और कैसे कितना परिवर्तन हो गया 3 महीने के अंदर राजनीति में कि भाजपा बिल्कुल गायब हो गई, इसका तो राजनीतिक विश्लेषण करना चाहिए था। इसका राजनीतिक विश्लेषण यही है कि तकनीक उल्टी चल गई, सेटिंग गलत हो गई, हो जाती है, मोबाइल में भी हो जाती है, नंबर इधर का उधर लग जाता है, ये तो एक सिग्नल्स की टेक्निक है। पर जब कोई प्रश्न सामने आए तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। हमेशा से जब भी इलेक्शन हुए हैं जहां सिस्टम में कमियां थीं उनको दूर किया गया। अब बूथ लूटने की जरूरत ही नहीं है अगर मैं किसी टावर को यूज करके और किसी ईवीएम को टच कर सकता हूं, कौन कहता टच नहीं हो सकती? नरसिम्हा स्वयं मिस्टर नरसिम्हा राव ने पूरी 100 पन्ने 150 पन्ने की किताब लिख रखी है कैसे कैसे हैकिंग करूंगा जीवीएल नरसिम्हा राव।
ये आरोप हमेशा बीजेपी से ही लगे। नहीं, कांग्रेस को कुछ मतलब ही नहीं है, इसके जवाब तो या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है, और जहां से मैंने शुरुआत करी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी डाउट एंड डिस्प्यूट को दूर करने का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ माननीय न्यायालय में है। हाँ, आई होगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की व्यवस्था दी। देखिए, वहां पे जो चीज जिस व्यक्ति ने जिस रूप में पेश की उसी रूप में हुई। जब उन्होंने हैकाथन की, हमने एक साथी के माध्यम से हैकाथन को चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने हमारे खिलाफ निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। हैकाथन कराने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं, क्योंकि डिस्प्यूट एंड डाउट यही दो वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटाए गए और हटाने के बाद कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में दे दिए गए। मैं तो कोर्ट केसेस कोर्ट कर रहा हूं, आ जाए कोर्ट केसेस का फैसला करा ले, क्या दिक्कत, सारे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, हमें पता लग जाएगा वीवीपैट बिल्कुल एक्यूरेट है। हम तो कहते हैं वीवीपैट एक्यूरेट है, पर देश की जनता को भरोसा होना चाहिए। हाँ, मैराथन हो गई, देखिए जो उस चीज के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट कमेटी खुद ही डाउट करती हो, उस पर हमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? उन्होंने खुद लिखा है कि भारत की सब प्रोटेक्टेड है, केबल अनप्रोटेक्टेड है, और केबल छोटा मोटा नहीं है, केबल 20-25 फीट का है। उस केबल के अंदर क्या चीज इंसर्ट करी जा सकती है, ये तो कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बता देगा कैसे करेंगे। और जैसे ही आप उसमें कोई माइक्रोचिप या कोई चीज इंसर्ट करेंगे, वो उसके बाद किसी भी मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी। हम लोग रोज व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, रोज चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसका एक अंग तो हम भी अपने अनुभव से देख रहे हैं। कैसे नहीं हो सकता, ये तो उनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपनी एक्सपर्ट कमेटी है। मशीनी का तो डब्बा बंद कर दिया, और उसका भी जो सोर्स कोड है वो आपको पता नहीं है। सोर्स कोड कोई प्राइवेट पार्टी जापान में और अमेरिका में बना रही है, सोर्स कोड इंडिया में नहीं बन रहा। इंडिया में सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, 60% से ज्यादा पार्ट्स जो है वो विदेशी हैं। वहां से अगर कोई पार्ट इल ट्रीटेड आ गया तो क्या करेंगे आप? हम तो 2000 का नोट देख चुके हैं जो एटीएम के साइज से बड़ा छप गया था, हुआ नहीं है भाई, सारे एटीएम के डब्बे बदलते घूमे। और कोई या बाकी चाय पीने के बाद, चाय पीने के साथ साथ अब तैयारी करूंगा इसके बाद। ये आज ही सुबह मेरे दिमाग में आया, तभी आपको कष्ट दिया। मैं तो कल परसों में भेज दूंगा, इतना टाइम लगेगा मुझे लिखने में, और मुझे पता है वो उसे मानेंगे नहीं। यही सब बिंदु होंगे, चलिए बोल देता हूँ। हाँ जी, मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि जिन स्थलों पर चुनाव से संबंधित, ईवीएम से संबंधित कोई भी चीज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में है, वो खुद खुले दिल से आगे आए और खुद न्यायालय से अनुरोध करें कि वो उस चीज की जांच कर ले, और जांच करके हमारे दिमाग में जो भी गलत या सही डाउट्स हैं उनको दूर कर दें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व भी बनता है, वो इस देश के लोकतंत्र के प्रहरियों में से एक हैं, उनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, पर ब्यूरोक्रेटिक विचारधारा से काम नहीं चलेगा। सर, डाउट्स
डाउट्स। देखिए पहला डाउट अनऑथराइज मूवमेंट, रेंडमाइजेशन की लिस्ट से बाहर की किसी भी ईवीएम का घूमना, किसी भी ईवीएम का अनप्रोटेक्टेड विदाउट सिक्योरिटी घूमना। ईवीएम को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्राप्त है, वो कभी भी रात में भी, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी।